तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अल्टीमेट मूवीज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ साउथ की टॉप 5 मलयालम लैंग्वेज की मूवी जो हिंदी में ही अवेलेबल है, और सभी मूवी एक से बढ़कर एक होने वाली है। नंबर 5, 2 और 1 को तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ऐसी मूवी आपको बार बार देखने को नहीं मिलती। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले नंबर 5 पर है साल 2024 यानी इसी साल रिलीज हुई मलयालम लैंग्वेज की मूवी अन्वेषिपिन कांडेथुम। ये मूवी एक मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिल मूवी है जिसके लीड में तो विनोद थॉमस, आद्या प्रसाद जैसे और भी कई बड़े कलाकार नजर आएंगे। और इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। 92% गोल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी में लवली नाम की एक लड़की अचानक लापता हो जाती है, जिसके बाद उसके माता पिता स्थानीय पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाते हैं। आनंद नारायण इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं और जांच के दौरान दो लड़कों को पकड़ते हैं। ये वही लड़की है जिन्होंने कुछ घंटे पहले उस लड़की को परेशान किया था, लेकिन पूछताछ के दौरान आनंद नारायण ये समझ जाते हैं कि लड़की के लापता होने में इन दोनों का कोई हाथ नहीं है। लेकिन आगे की कहानी में और भी ज्यादा ट्विस्ट आता है जब कुएं के पास उस लड़की की बॉडी मिलती है। अब दोस्तों, आगे की कहानी में कैसे उस लड़की की मौत होती है और आनंद नारायण कैसे उस हत्यारे तक पहुंचेंगे, ये सब जानने के लिए आपको इस पूरी मूवी को देखनी होगी। मूवी की कहानी जबरदस्त है, जहाँ पर आपको इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेगी जो कहानी में आपको अंत तक देखने पर मजबूर करेगी। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हो। तो गाइज, नंबर 4 पर है साल 2023 में रिलीज मलयालम लैंग्वेज की मूवी गारुदान। ये मूवी एक एक्शन क्राइम थ्रिल मूवी है जिसके रोल में मालविका, सुरेश गोपी जैसे और भी कई बड़े कलाकार नजर आएंगे। और इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। वहीं 86% गोल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी में हरीश माधव जो एक पुलिस अधिकारी है और निशांत कुमार जो की एक कॉलेज प्रोफेसर है, ये दोनों बलात्कार के झूठे केस में फंस जाते हैं और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए न्याय के लिए लड़ना पड़ता है। तो अब आगे कहानी में क्या वे दोनों अपने आप को बेगुनाही साबित कर पाते हैं या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको इस पूरी मूवी को देखनी होगी। इस फिल्म का भी कहानी जबरदस्त है, जहाँ पर आपको इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेगी जो कहानी में आपको अंत तक देखने पर मजबूर करेगी। तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो ये फिल्म आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो गाइज, नंबर 3 पर है साल 2016 में रिलीज मलयालम लैंग्वेज की मूवी पुथिया नियामन। ये भी एक एक्शन थ्रिल मूवी है जिसके लीड में मम्मूटी, नयनतारा जैसे और भी कई बड़े कलाकार नजर आएंगे। और इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। वहीं 86% गोल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी लुइस पथिन और उसकी पत्नी बासुकी अय्यर के आसपास घूमती है। आगे कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक आदमी बासुकी के साथ रेप कर देता है, जिसके बाद बासुकी बलात्कारियों से बदला लेने के लिए पुलिस ऑफिसर जीना भाई की मदद लेती है। तो अब आगे कहानी में कैसे जीना भाई उस बलात्कारियों को सजा दिलवाते हैं और आगे कहानी में क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, ये सब जानने के लिए आपको इस पूरी मूवी को देखनी होगी। ये भी एक अच्छी फिल्म है और ये फिल्म YouTube पर ही अवेलेबल है। तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो इस फिल्म का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप इस फिल्म को देख सकते हो। तो गाइज, नंबर 2 पर है साल 2012 में रिलीज मलयालम लैंग्वेज की मूवी ग्रैंड मास्टर। ये भी एक मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिल मूवी है जिसके लीड में मोहनलाल, प्रियमणि जैसे और भी कई बड़े कलाकार नजर आएंगे। और इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। वही 78% गोल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी में एक IG चंद्रशेखर जो की एक IPS अधिकारी है और वह कई सारी हत्याओं की जाँच कर रहे होते हैं, और जाँच में वह जुरेम नाम के एक मानसिक रूप से विचलित एक व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं जो कि 3 लड़कियों को अपहरण करके रखा था। लेकिन आगे कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक जेड नाम का व्यक्ति चंद्रशेखर को चुनौती देता है कि वह एक के बाद एक कई सारे हत्या करेगा। तो अब आगे कहानी में क्या वह व्यक्ति हत्या को अंजाम दे पाएगा या फिर IPS अधिकारी चंद्रशेखर उसे रोक लेंगे, ये सब जानने के लिए आपको इस पूरी मूवी को देखनी होगी। इस फिल्म का भी कहानी जबरदस्त है, जहाँ पर आपको इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगी जो कहानी में आपको अंत तक देखने पर मजबूर करेगी। तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो ये फिल्म आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी।
तो फाइनली गाइज नंबर वन पर है साल 2019 में रिलीज मलयालम लैंग्वेज की मूवी लूसीफर। ये भी एक मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिल मूवी है जिसके लीड रोल में पृथ्वीराज सुकुमार और मोहनलाल जैसे और भी कई बड़े कलाकार नजर आएंगे। और इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। वहीं 86% गोल्ड यूजर्स ने फिल्म को लाइक किया है। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी में एक शक्तिशाली राजनीतिक नेता की मृत्यु हो जाती है जिसके बाद उसके बेटे को उसकी जगह लेने की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब कुछ लोगों द्वारा एक शक्तिशाली अपराधी खुर्शी अब्राहम की खोज की जाती है जिसके बाद राजनीतिक खेल और भी ज्यादा जटिल बन जाता है। इस खोज में कई सारे रहस्य और षड्यंत्र का पता लगता है जो आपके दिमाग को घुमा देने की काम करती है। इस फिल्म का भी कहानी जबरदस्त है, देखने लायक है। तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो ये भी फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में।